नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के चलते सभी बैंकों में कामकाज ठप रहा। बैंक कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में बरनाला रोड स्थित पीएनबी बैंक शाखा के समक्ष धरना देकर रोष जाहिर किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को सरकार ने अनदेखा किया तो आगामी 11 से 13 मार्च से 3 दिवसीय हड़ताल की जाएगी। अगर फिर भी केंद्र सरकार मांगे नहीं मानी तो 1 अप्रैल से बैंकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। हड़ताल में शामिल कर्मचारी नरेश मुखीजा ने कहा कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता की वजह से आज बैंक कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि लगातार आश्वासन दिए जाने के बावजूद उनकी मांगे नहीं मानी जा रही। उन्होंने बताया कि 2017 से बैंक कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी लागू होनी थी लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक लागू नहीं की। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांगे 20% वेतन बढ़ोतरी, सप्ताह में 5 दिन कार्य करने, मूल भत्तों के साथ अन्य भत्तों का विलय, वे नई पेंशन नीति का विरोध तथा निजीकरण का विरोध सहित 12 सूत्रीय मांगे शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को सरकार ने अनदेखा किया तो आगामी 11 से 13 मार्च से 3 दिवसीय हड़ताल की जाएगी। अगर फिर भी केंद्र सरकार मांगे नहीं मानी तो 1 अप्रैल से बैंकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। हमारा जो वेज रिवीजन नवंबर 2017 से लागू होना था, सरकार को तकरीबन 2.5 साल हो गए और इसे नज़रअंदाज कर रहा है और अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है। जैसा हमारी जो मांग है बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो मानी ना जा सके। 20% हमारी जो मुख्यतः 12 डिमांड्स हैं, मुख्यतः मैं आपको बता देता हूँ कि 20% हम बढ़ोतरी चाहते हैं अपनी आय में, 5 दिन की बैंकिंग, 5-डे बैंकिंग इंटरनेशनल लेवल पे और हर इदारे में जो है 5 दिन की बैंकिंग है। इवन आरबीआई में बैंक है जो कि उसकी गवर्निंग हम करते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि जब आरबीआई में 5 दिन की वर्किंग है तो हमारे भी यहाँ 5 दिन की बैंकिंग हो। एनपीएस स्कीम नए लड़कों के लिए, न्यू पेंशन स्कीम जो है, हम मुख्यतः उसे रद्द करने की मांग करते हैं और पुरानी जो ट्रेडिशनल हमारी पेंशन स्कीम है उसको लागू करने का हम उन्हें कहते हैं। 2 दिन की से हड़ताल है, आज पहला दिन है, आज यहाँ हुए, कल हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीओ के आगे हमारा प्रदर्शन होगा। 2 दिन की हड़ताल है, अगर सरकार नहीं माननी और अपनी हठधर्मिता पे अड़ी रही और तो 11, 12, 13 मार्च को भी हमारी 3 दिन की हड़ताल है। फिर भी नहीं माननी तो हम सभी साथियों ने संकल्प किया हुआ है कि 1 अप्रैल से अविलंब इनडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे और हमारा जो ये जोश है इन लड़कों में और सभी साथियों में इतना जोश है कि सरकार को मजबूर कर देंगे धरातल पे आने के लिए।